अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सालिहा डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, हमारे व्यूवर्स ने फरमाइश की थी कि हमें 7 साल की बच्ची के लिए अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखाई जाए, तो आज हम इंशाल्लाह अम्ब्रेला फ्रॉक के साथ साथ पेटी पर हम अंगरखा स्टाइल भी बनाएंगे। ये स्टाइल आप किसी भी एज के लिए बना सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। व्यूवर्स, ये हमने कॉटन फैब्रिक 1.5 गज लिया है और ये काफ़ी चौड़े अर्ज में है, और ये लॉन फैब्रिक लिया है, ये 1.5 गज में है जिससे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। आप चाहें तो ये एम्ब्रॉयडरी वाला भी ले सकते हैं, और ये टसल हम इसमें डिज़ाइनिंग के साथ एडजस्ट करेंगे। कटिंग से पहले मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ। फ्रॉक की लेंथ हम 31 इंच रखेंगे, तीरा हमने 11 इंच पर तैयार करना है, चेस्ट का साइज़ हम 14 इंच रखेंगे और फिटिंग का साइज़ हमने 12 इंच रखना है, बाजू हम 14 इंच पर तैयार करेंगे। अब हम कटिंग की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये कपड़ा हमने डबल लेयर में बिछा लिया है और इसकी लंबाई का साइज़ करेंगे हम। ये 29.5 इंच इसकी लंबाई है, ऐसे ही हमने अब चौड़ाई का साइज़ लेना है। 29.5 इंच पर निशान लगाते हुए हम कट कर लेंगे। ये निशान लगाकर अब हम इस कपड़े को अलग कर लेंगे। ये देखें, चौड़ाई और लंबाई का सेम साइज रखते हुए हमने कपड़े को अलग कर लिया है। अब हम इसके कमर का साइज करेंगे। इसके एक कोने से, ये देखें, ये डबल लेयर है, इसके एक कोने से इंची टेप को इस तरह रखते हुए हमने कमर का साइज लेना है। ये फिटिंग हमने 12 इंच रखनी थी, तो ये देखें, ये 12 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और अब इंची टेप को इस तरह रखते हुए ये 8 इंच पर हमने निशान लगाना है, और ऐसे ही इंची टेप को कोने में रखते हुए और घुमाते हुए हम निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद इंची टेप को इस तरह रखना है, ये देखें, ये सिलाई का मार्जिन रखते हुए, और ये साइज़ करना है कि इंशाल्लाह, ये देखें, 12 इंच पर ही हमारी कमर तैयार हो जाएगी सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। टोटल फ्रॉक की लेंथ हम 31 इंच रखेंगे, 10.5 इंच पर हम पेटी तैयार करेंगे। नीचे के पार्ट की लेंथ हमें 20.5 इंच चाहिए, तो हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए 21.5 इंच पर निशान लगाते हुए कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह निशान लगाना है इंची टेप को घुमाते हुए। बाकी के हिस्से की इस तरह इसको ऊपर रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, अब हम टॉप के पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें कपड़े को इस तरह सीधी साइड बिछा लेना है और 4 इंच पर इस तरह फोल्ड करना है। इंची टेप से इस तरह साइज करते हुए ये 4 इंच पर आप फोल्ड कर लें। ये देखें, इस तरह चेस्ट हमने 14 इंच तैयार रखनी थी, ये देखें, 2 से 2.5 इंच मार्जिन रखते हुए हम निशान लगा लेंगे और कपड़े को अलग कर लेंगे। 10.5 इंच पर हमने पेटी तैयार करनी है, तो सिलाई और कटिंग का मार्जिन रखते हुए हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे और कट कर लेंगे।
इसके दूसरे पार्ट को उल्टा बिछाना है। ये मैं निशान लगा देती हूँ, इस हिस्से को उल्टा बिछाना है और यहाँ 1 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। ये देखें, इसकी सीधी साइड है और नीचे वाले पार्ट की उल्टी साइड है। ये इस निशान के ऊपर हम इस कपड़े को रखेंगे, इस एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। ग्यारह इंच पर हमने तीरा तैयार करना है, इंची टेप को यहाँ पर रखते हुए। ये देखें, 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे सिलाई का मार्जिन रखते हुए। आर्म होल के लिए हम 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम चेस्ट का साइज करेंगे। चेस्ट का साइज हमने 14 इंच रखना है, तो इंची टेप को इस तरह 7 इंच पर रखते हुए हम यहाँ निशान लगाएंगे और यहाँ हम हल्की सी गुलाई दे देंगे। कमर का साइज हमने 12 इंच पर रखना है, तो ये मैं सिलाई का मार्जिन रखते हुए 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। कटिंग के लिए हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ से 1.25 इंच पर हम तिरछा निशान लगाएंगे शोल्डर की कटिंग के लिए। ये जो हमने 4 इंच की फोल्डिंग की थी, इस पर इस तरह इस्त्री करते हुए निशान लगाएंगे और प्रिंटेड कपड़े को अलग कर लेंगे। अब हम चौक से निशान लगा लेंगे। गले की कटिंग के लिए ये मैंने चार्ट लिया है, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। 2.5 इंच पर हम इसे निशान लगाएंगे। ये फोल्डिंग में है, जब खोलेंगे तो ये 5 इंच हो जाएगा। और लंबाई के लिए हम 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने राउंड वी शेप में कट करना है। इस गले को इस तरह फोल्डिंग में रखते हुए इसके सेंटर में रखेंगे, जहां हमने निशान लगाया था। इस तरह निशान लगाएंगे। ये सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखें, इसके बैक साइड पर भी हमने ये निशान लगाया है। इसको इस तरह पलटेंगे और इसको इस तरह रखते हुए यहाँ से भी हम गले की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये देखें, इस निशान को इस निशान से टच करते हुए, ये देखें, यहाँ हम पाइपिंग करेंगे और हुक लगाएंगे। पाइपिंग के लिए हम इस तरह उरे में कटिंग करेंगे। 1.25 इंच की चौड़ाई पर हम फिर से इधर से कटिंग करेंगे। टसल डालने के लिए हम हुक बनाएंगे, जिसके लिए हम 1 इंच की चौड़ी स्ट्रिप की कटिंग करेंगे। बाजू हमने 14 इंच पर तैयार करनी है। सिलाई और कटिंग का मार्जिन रखते हुए 15.5 इंच पर हम इसको कट कर लेंगे। इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे और 3 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। अब इन 2 हिस्सों को अलग करते हुए फ्रंट के जो पार्ट होते हैं उधर हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। ये देखें, बाजू की मोरी का साइज हम 4.5 इंच रखेंगे। 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ से कट कर लेंगे।
ये देखें, ये कपड़े की किनारे वाली साइड है, हमने स्ट्रिप्स कटिंग करनी है जो हम फ्रॉक पर लगाएंगे। हम ये स्ट्रिप्स की कटिंग आड़े रुख से करेंगे, इससे आसानी से गुलाई हो जाती है। इस तरह एक इंच पर इंची टेप को रखते हुए हम यहाँ से कटिंग करेंगे। आप चाहें तो निशान लगाते जाएं। कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखें, ये हमने उरेम में पट्टियाँ काटी थी, इसमें ये डोरी डालते हुए ये मैंने पाइपिंग कर ली है। प्लेन कपड़े पर हम प्रिंटेड पाइपिंग करेंगे और प्रिंट पर प्लेन करेंगे, और साथ ही हमने ये हुक बनाने हैं। ये देखें, ये सिलाई के साथ मैंने तैयार कर ली है। ये हम 2 इंच की दूरी पर हुक की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, ये पहले हम फ्रंट के पार्ट को रेडी करेंगे। ये देखें, ये मैं निशान लगाकर दिखा रही हूँ कि इतना मार्जिन रखते हुए हमने ये पाइपिंग लगानी है। ये हमने 1 साइड फुट लगाया है। ये पाइपिंग को इस तरह रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब हमने प्रिंटेड कपड़े पर पाइपिंग करनी है और हुक लगाने हैं, तो इसके लिए हमने साइज करना होगा। ये इंची टेप को ये देखें यहाँ रखते हुए सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 10.5 इंच पर हमने पेटी तैयार करनी थी, तो 11 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब हम पाइपिंग से पहले 1.25 इंच की दूरी पर, ये देखें यहाँ सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 1.25 इंच की दूरी पर हम ये हुक लगा लेंगे। ये हुक लगाने के बाद अब हम यहाँ से पाइपिंग शुरू करेंगे। इस पाइपिंग को हम कोने से कट कर लेंगे। और सुई को अंदर ठहराते हुए इस तरह मोड़ेंगे। इसको गुलाई देने के लिए हम यहाँ कट लगाएंगे दोनों हिस्सों पर। ये देखें, इस्त्री के साथ हमने इसको अच्छे से फोल्डिंग करते हुए प्रेस कर लिया है। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा 4 इंच रखा था, तो इसके सेंटर में यहाँ हमने निशान लगाया है, और ये 1 इंच की दूरी पर हमने निशान लगाया था। इन दोनों निशानों को आपस में टच करते हुए ये देखें, ये इस तरह रखेंगे। चेस्ट का साइज हमने 14 इंच तैयार रखना था, तो इंची टेप को इस सेंटर वाले निशान के साथ रखते हुए ये देखें 7 इंच पर, इस तरह हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर का साइज हमने 12 इंच रखना था, तो सेंटर में 6 इंच पर इंची टेप को रखते हुए हम निशान लगाएंगे। अब हम इस तरह निशान लगा लेंगे दोनों साइडों से। पाइपिंग पट्टी को फिक्स करने के लिए हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिलाना है और सेंटर करते हुए यहाँ पर गला फिक्स करना है। ये हमने दोनों निशानों को सेंटर को आपस में मिला लिया है। ये देखिए, अब जहाँ हमारा गला आसानी से बैठ जाए वहाँ रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है।
यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। अब हमने इन हुक्स के आमने सामने हुक लगाने हैं। ये देखें, अब हमने 10.5 इंच पर पेटी तैयार करनी है, तो इसलिए सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक के पार्ट की कटिंग करेंगे। ये बैक के पार्ट को फोल्डिंग में रखते हुए फ्रंट के पार्ट को हमने ऊपर रख लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम हल्की सी गुलाई देंगे और कटिंग कर लेंगे। फ्रंट के पार्ट को इस तरह रखते हुए हम बैक के गले की कटिंग करेंगे। गहराई के लिए हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम निशान लगाएंगे और यहाँ हमने 3 इंच पर एक स्लिट खोलनी है सर गुजारने के लिए। ये बटन टैग लगाने के लिए 2 इंच चौड़ी हमने ये साइज करते हुए स्ट्रिप की कटिंग की है। यहाँ लगाने के लिए हम उरेब में पट्टी की कटिंग करेंगे। यहाँ पर कट लगाते हुए हम ये पट्टी लगाएंगे। ये इसकी सीधी साइड है और इस पट्टी की भी सीधी साइड है। इसका इस तरह सेंटर करते हुए हम यहाँ कट लगा लेंगे और यहाँ भी हम कट लगाएंगे। इसकी एक साइड की पट्टी को ये देखें इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस पट्टी की हल्की सी कटिंग करेंगे और इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे। ये देखें, एक पट्टी को हमने बाहर की तरफ पलटा है और इसको हमने अंदर की तरफ पलटा है और यहाँ हम तुरपाई कर लेंगे। ये हमने तुरपाई कर ली है, ये देखें। अब हम उरेब वाली पट्टी को इस तरह रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ कट लगा लेंगे। और इस कपड़े को बाहर की तरफ पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम इस तरह निशान लगाएंगे। अब हम फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को आपस में जॉइंट करेंगे।
अब हम इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करते हुए बैक के गले पर सिलाई लगा लेंगे। ये फिटिंग का निशान लगाते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये पेटी का साइज करते हुए हमने ये साइड की सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। अब हम घेर को मोड़ेंगे। ये देखें, इस तरह एक फोल्ड लगाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये एक फोल्ड लगाते हुए हमने राउंड में सिलाई लगा ली है। अब हम डबल फोल्ड लगाते हुए इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये बड़ी ही नीटनेस के साथ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके घेर पर हमने ये स्ट्रिप्स लगानी है। इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और एक इंच की दूरी पर रखते हुए हम ये स्ट्रिप्स लगाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, हमने ये स्ट्रिप्स लगा ली हैं फ्रंट और बैक दोनों पर, राउंड में इस तरह लगाई हैं। आप चाहें तो यहाँ पाइपिंग भी लगा सकते हैं या लेस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और साथ ही हमने ये बाजों पर भी स्ट्रिप्स लगा ली हैं। ये पेटी का इस तरह सेंटर करते हुए हमने कट लगाना है। ऐसे ही फ्रॉक का सेंटर करते हुए कट लगाना है और इन दोनों कट्स को आपस में टच करना होता है। ये अब टॉप के पार्ट को सीधा करते हुए और ये नीचे के पार्ट को उल्टा करते हुए हम इस पेटी को इस तरह अंदर डालेंगे। ये देखें, इन दोनों सिलाइयों को आपस में टच करते हुए और इस तरह ये इसको मोड़ते हुए हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। ये देखें, सेंटर के दोनों कट्स को आपस में मिलाना है। अब हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। ये देखें, यहाँ आकर हमने सिलाई रोक ली है। ये इसकी फ्रंट साइड है जहाँ पर हमारी एक्स्ट्रा कटिंग होती है। और इस फ्रॉक की भी फ्रंट साइड रखते हुए ये देखें, इस तरह हम इसको सेंटर में रखेंगे और इसका साइज करेंगे। और यहाँ हम निशान लगा लेंगे। अब हम शोल्डर के सेंटर को और ये बाजू के सेंटर में जहाँ हमने कट का निशान लगाया था आपस में टच करेंगे। बाजू को ऊपर रखते हुए हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। ये देखें, जहाँ हमने बाजू की सिलाई का एंड किया था इसको हम इस तरह मोड़ेंगे और ऐसे ही हमने पेटी के हिस्से को भी इसी तरह मोड़ना है और आपस में टच करना है। ये देखें फ्रेंड्स, ये दोनों बाजू को स्टिच करते हुए हमने फ्रॉक कंप्लीट कर लिया है और हमने ये टसल लगाया है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और राउंड में हमने ये स्ट्रिप्स लगाई हैं, बैक पर भी हमने ऐसे लगाई हैं। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। आपके अच्छे कमेंट्स से हमें खुशी मिलती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।